the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you, can you hear a thing? Cause you lit the match. Hello guys, good morning. कैसे हैं आप सब? Good morning है आपका और स्वागत है मेरे ब्लॉग में. अभी गाइस जैसा देख रहे हो मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ देहरादून, हमारे उत्तराखंड की राजधानी. और देहरादून जा रही हूँ यार, ऑफिशियल ही काम है, रिलेटेड है उसी से ही. पहाड़ों से जब नीचे आप उतरते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी आपको महसूस होती है, जो कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है. ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था और मैं निकल चुकी हूँ. अभी जो टाइम हो रहा है 8:34, सुबह के 8:30 बज रहे हैं. चलिए फिर सफ़र का लुत्फ उठाइए मेरे साथ और पहुँचते हैं देहरादून. गाइस बहुत बढ़िया वाली बारिश हुई है अभी और गाने वाने चल रहे हैं. मस्त. सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप चेक कर सकते हो कि प्रेशर कितना लो है, पर अभी ठीक आ रहा है. वहाँ पे 31 आ रहा था तो अभी ठीक है और होपफुली मैं जल्दी पहुँच जाऊँ. थोड़ा अकेले बोरियत तो आती है, तो मैंने एक्चुअली एक शॉर्टकट वाला भी मैप रहता है तो मैंने वो भी लगाया, बट मैप में पुराना ही रास्ता है तो अगर आप लोग अभी यहाँ पे फॉलो करें तो वो नहीं है. वो एक्चुअली मुझे दोबारा ही अंदर के रोड पर ले जा रही है यहाँ पर, जो कि मुझे जाना नहीं है. अरे मुझे नहीं जाना है चाची चाची चाची. वो एक रील याद आ गई कि आप क्या बताएंगी, हम तो लोकल के हैं वाली बात ना. चलिए गाइस चलते हैं, फिर पहुँचते हैं देहरादून राजधानी में और होपफुली जल्दी पहुँचो. राइट. सो कांवड़ यात्रा बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है और मैं अभी पहुँचने वाली हूँ हरिद्वार. और बस अब हरिद्वार में तो आई गेस उतना नहीं मुझे मिलना चाहिए ट्रैफिक, बट देखिए मैं वही देख रही हूँ कितनी श्रद्धा है कि लोग नंगे पाँव भी जा रहे हैं और चप्पल पहन के भी जा रहे हैं. पैदल चलना अपने आप में यार बहुत ज़्यादा तारीफ़ की बात है. तो सब लोग बोलिए हर हर महादेव. भोले बाबा आप सभी की मनोकामना पूरी करें और आप लोग जो जा रहे हैं कांवड़ लेके आपकी भी मनोकामना पूरी करें. हर हर महादेव. चलिए फिर चलते हैं, पहुंचते हैं हरि के द्वार पे. सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ हरिद्वार और अपना हरिद्वार में काफी रश है अभी, उतना भी नहीं है, भी ऐसा नहीं है, आप प्लान कर सकते हो. बट एक थोड़ा बुरा लगता है यार, ये जो गंदगी हो रही है ना, तो प्लीज़ गाइस आप लोग कहीं भी जाएं, किसी भी तीर्थ स्थल में जाएं, कहीं जाएं तो गंदगी ना करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें. और रश है बट मैनेजमेंट के साथ ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा. जबकि आज मंडे है, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि आज ज़्यादा मुझे ट्रैफिक ना मिले, तो बाकी तो एनीवे ठीक है. अब अराउंड 56-57 किलोमीटर मुझे यहाँ से लगेगा और अब हम दर्शन करेंगे भोले बाबा के. हर हर महादेव शिव शंभु. ओम नमः शिवाय. हर हर महादेव. सो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है मैं पहुंच चुकी हूँ देहरादून और अब ज़्यादातर मैं देहरादून ही रहूँगी. तो अच्छा सा तो लग नहीं रहा है. एडी की याद आ रही है काफ़ी, आकांक्षा की भी याद आ रही है, बबलू की भी याद आ रही है. अगर बबलू तुझे ब्लॉग देखना तो लाइक कर देना, तुझे मैंने याद किया. तो गाइस क्या करें, बोरियत सी आ रही है फ़िलहाल. अभी मैं हूँ FRI के पास और बस यार थोड़ा चेहरा उतरा हुआ है ना मेरा, बट ये कि काफ़ी चीज़ें बदल सी गई हैं तो बस थोड़ा, मतलब हम लोग कॉलेज टाइम में यहाँ पर थे तो चीज़ें अलग थी, अब काफ़ी अलग हो गई हैं तो वही लग रहा है. चलिए चलते हैं. ये शायद आई गेस इलेक्ट्रिक बस है जो कि सहसपुर लांगा रोड वगैरह जा रही है.
चलिए चलते हैं, कैमरा ऑन करा क्योंकि कोई भी पीछे से टच ना कर दे। ये शीशे पे तो हल्का टच कर दिया था एक थार वाले बाबू ने। चलिए फिर चलते हैं, घर पहुंचती हूँ फिर आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। मम्मी और सौरभ से मिलाना है, बने रहिएगा व्लॉग में। सो गाइस अभी ये अपडेट नहीं है कि मैं देहरादून तो पहुंच चुकी थी कल, और कल बहुत ज्यादा टायर्ड थी तो ज्यादा व्लॉग मैंने करा नहीं, ऑफिस का काम था वो सब काम किया और बाकी अपना मैनेज किया। तो अभी आपको धीरे धीरे सब चीज मैं अपडेट दूंगी। फिलहाल अब मैं देहरादून हूँ टूवर्ड्स, ये है चक्राता रोड, ये अपना प्रेमनगर वाली रोड है। काफी देहरादून चेंज हो गया है, हम लोग जब कॉलेज टाइम पे यहाँ पे रहते थे तो काफी चीजें अलग थी, अब है तो वैसा ही बट थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश की जा रही है देहरादून को। तो पॉपुलेशन काफ़ी हो गई है यार इंडिया में, थोड़ा भीड़ भाड़ है ही। और बाकी आदत मुझे पहाड़ में रहने की, तो थोड़ा उतना मन अभी नहीं लग पा रहा है बट होपफुली लग जाएगा। और ठीक है यार, देखते हैं क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। तो ज़्यादा मैंने ब्लॉग किया नहीं था, मैं ये आपको बता रही थी। और ये अपना कॉलेज का पूरा रूट रहता है, यहाँ से आपका ये जो सामने बिल्डिंग आपको दिख रही है वहाँ पे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर आगे तुलास वगैरह, उधर पूरा सेलाकुई वगैरह है। तो गाइज अभी मैं ऑन द वे ही हूँ। तो व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, हालांकि अच्छे लगने जैसा कुछ है नहीं इसमें, अभी नॉर्मल एक बनाया मैंने व्लॉग ऐसे ही। बट ये है कि फिर भी अगर आपको किसी भी वजह से अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं एक नए जोश के साथ एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्टे सेफ।